तो चलिए आज के इस न्यू वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। तो ये लैपटॉप बहुत पुराना है और बूढ़ा हो चुका है, जिसको हम लोग जवान करने वाले हैं इसमें कुछ लगा के। अभी क्या लगाने वाले वो भी आपको बताने वाले हैं। तो पहले बता दें, ये डेल का लैपटॉप है, इंस्पायरोन 559। अब ये है कि अभी बहुत स्लो काम कर रहा है, इसमें अभी हम लोग SSD लगाएंगे। आप देख सकते हैं ये इसका कैडी है जो लाए हैं, और ये रहा SSD कंसिस्टेंट का। ये सबसे सस्ता और सबसे अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि इसमें 5 साल का वारंटी लगता है। अगर आप कोई बढ़िया कंपनी का लेने जाते हैं तो उसमें आपको दो साल 3 साल ऐसे ही मिलता है, और ये सस्ता भी है और इसमें परफॉर्मेंस थोड़ा कम रहता है लेकिन अच्छा है, सस्ता में सबसे अच्छा है। तो चलिए अभी इसको खोल के दिखाते हैं आपको कैसे कैसे लगाना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर बैटरी अनलॉक कर लेना है इसका, और बैटरी को यहाँ से निकाल लेना है। उसके बाद आपके ये औजार रहने चाहिए, इसी से खुलेगा आपका लैपटॉप। तो चलिए इसका खोलते हैं हम लोग लैपटॉप को। तो आपको ये लैपटॉप को पूरा नहीं खोलना है, बस आधे ही खोलिएगा तो आपका काम बन जाएगा। आप पूरा नहीं खोलने लगेगा तो आप खोलिएगा, उसके बाद आपको ऐसे इंटरफेस दिखेगा। ये आपका रैम हो गया, ये सीमोस बैटरी हो गया, जिससे आपका जो टाइम और डेट है उसके लिए, ये मतलब लैपटॉप में नहीं रहता है लेकिन इसमें है। बहुत पुराना लैपटॉप है, पता नहीं क्यों है। अभी इसको यहाँ से हम लोग निकालने वाले हैं, इसके जगह पर अभी ये जो नया वाला हार्ड डिस्क लगेगा। तो चलिए इसको पहले निकाल लेते हैं यहाँ से। आपको यहाँ पे अच्छे से खींचना है क्योंकि यहाँ पे देखिए इसका कनेक्टर है, अगर ज़्यादा प्रेशर लगाइएगा तो ये आपको ख़राब हो सकता है। तो आप यहाँ पे इसका ये देखिए लॉक होता है, इसको आपको ऊपर की ओर खींचना है और ये कनेक्टर को बाहर ले आना है ताकि आप इसको आराम से सेटअप कर पाएँ जो भी आपको करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर इसको पकड़ के सिंपली बाहर की ओर खींचना है। चलिए इसको पहले निकाल लेते हैं हार्ड डिस्क को बाहर। आपको इसे खींच के निकाल लेना है इसको। उसके बाद आपको यहाँ पे आपका SSD जो है उसका, अरे यार निकल जा, तो ये रहा आपका SSD। इसके साथ आपको नट नहीं मिलता है, लेकिन आप ये कैडी खरीदते हैं तो उसमें आपको नट मिलता है। तो फिलहाल अभी हम लोग ये जो 4 नट अभी निकले हैं उसका यूज करने वाले हैं। तब आपको फिर से ये जैसे खपाया हुआ था उसमें, अब इसको आपको इस तरह से बैठा लेना है इसमें। मैं बैठा लेता हूँ इसको, देखिए। उसके बाद यहाँ पे जो स्क्रूप्स हैं वो वापस कस देने हैं। जब ये बढ़िया लगता है उसके बाद सिर्फ इसको आपको ऊपर से दबा देना है, और जहाँ पे आपका हार्ड डिस्क का ये बैठने वाला जगह पे है वहाँ पे इसको बैठा के, और वापस इसका जो स्क्रूप्स है उससे आपको कस देना है। अब चलिए हम लोग इसका ये जो ये वाला है इसको खोलेंगे। तो इसके लिए आपको यहाँ पर नट रहता है, इसको खोल लेना है।
जब आप इसका ये नट और ये खोल लीजिएगा, उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको इसका जो ये है दिख रहा है, इसको यहाँ पे कुछ भी डाल के इसको ऊपर की ओर धकेलना है इधर, तो देख सकते हैं ये बाहर आ जाता है। अब ये वाला आपको ध्यान रखना है कि आपको कैसे लगाना है, सो उल्टा लगा के उल्टा नहीं डालिएगा। देख सकते हैं इसको अभी हम ऐसे खोलें, तो आपको जब नेक्स्ट टाइम ये कैडी को आप लगाइएगा तो इसको भी आपको ऐसे ही डालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखें, और ये जैसे कसा हुआ है यहाँ भी आपको वैसे ही कसना है। तो सबसे पहले आप इसको, अगर आपको याद नहीं रहता तो आप इसका फोटो खींच लें ताकि आपको याद रहे कैसे लगा हुआ था। ये आपका पुराना हार्ड डिस्क जिसको आपको यहाँ पे लगाना है, तो आपको यहाँ पे देखिए इसको यहाँ पे मिला के लगाना रहता है, तो आपको यहाँ पे ऐसे करके और इसमें मिला कर इसको आगे की ओर धकेलना है, यहाँ पे रख के सीधा इसको पूरा बढ़िया से आपको लगाना है। जब ये पूरा बढ़िया से लग जाए तो उसके बाद देखिए यहाँ पे नीचे स्क्रू कसने रहते हैं, तो जो स्क्रू हमने लाए हैं या जो अभी लैपटॉप से निकाले हैं वो स्क्रू को यहाँ डाल कर कस देना आपको बस। तो देखिए ये जब ये खुलेगा बाहर, एलपिन डाल के आप यहाँ से निकालिएगा, उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका लॉक लगा हुआ है, इसको आपको यहाँ नीचे की ओर धकेलना है और इसे करके खींचना, ये बाहर आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे लेते आना है और इसमें आपको लगाना है। आपको यहाँ पे F12 दबाते रहना है। अब आपको बूट मेन्यू में ले जाएगा। अब उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए यहाँ पे USB स्टोरेज डिवाइस दिख रहा है, ये भी आपका पेन ड्राइव का, और यहाँ सेंड डिस्क पार्टीशन टू UFI है, तो आपको UFI में ही बूट करना है, क्योंकि पिछले बार जब वीडियो में बनाया था तो इसमें जा रहा था तो उसमें पार्टीशन क्रिएट नहीं करने दे रहा था, मतलब SSD में, और सेम प्रॉब्लम ना हो इसलिए आपको UFI सेंड डिस्क पार्टीशन टू में जाना है, मतलब मेरे केस में है, लेकिन आपके केस में UFI आपका जो भी पेन ड्राइव रहेगा उसका नाम रहेगा, उसके पहले UFI लिखा रहेगा, आपको वो वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके और इंटर दबाना है, और सिर्फ आपका पेन ड्राइव का नाम रहेगा उसमें नहीं दबाना, क्योंकि उसमें दबाइएगा फिर आपको लिखेगा कि आपका हार्ड ड्राइव में पार्टीशन नहीं क्रिएट हो रहा, तो ये इशू आएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना ऑपरेटिंग सिस्टम यानी विंडोज 11, और उसके बाद यहाँ पे मेरा ये विन टू मोड में, मतलब बूट मोड में हो जाता है, अगर आपको दोनों में से ट्राई कीजिएगा, जिसमें आपका आगे बढ़ जाए उसमें कर लेना आपको आगे। अब यहाँ पे आपको नेक्स्ट दबाना है। आप अगर मान के चलिए मिस्टेक से आप वो पहले वाला, मतलब आपका जो पेन ड्राइव का नाम है UFI में नहीं बूट करके अगर दूसरा में बूट गया, तो आप स्क्रीन देख सकते हैं ये थोड़ा लंबा दिखता है UFI वाला, और वो रहेगा वो थोड़ा छोटा दिखेगा, मतलब ये टेक्स्ट वगैरह मतलब थोड़ा छोटा छोटा सारा दिखेगा, और इसमें थोड़ा लंबा दिखता है, तो इस बात का ध्यान रखें। उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट दबाना है, उसके बाद आपको बाईपास करना पड़ेगा, तो F Shift दबाकर F10 दबाना है, उसके बाद आपको लिखना है यहाँ पे नोटपैड, मैं इधर कर लेता हूँ, स्क्रीन टूटा हुआ है, नोटपैड और इंटर दबाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे फाइल में जाना है। अब आपको ये फाइल कहाँ पे मिलेगा, तो ये फाइल आपको खुद से बनाना है, और कैसे बनाना है वो डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, बस उसको आपका जो भी नोटपैड रहेगा उसमें टाइप करके और लास्ट में उसको सेव कर लेना था, मैंने डिस्क्रिप्शन में सारा बता दिया कैसे करना है इसको। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑल फाइल सेलेक्ट करना है, तभी ये फाइल दिखेगा, अगर मान के चलिए आप जैसे ओपन किया आपको ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स में रहेगा तो ये सब नहीं दिखेगा, तो आपको क्या करना है यहाँ पे ऑल फाइल में कर लेना है, और उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके और मर्ज करना है, और यहाँ पे यस पे क्लिक करना है, ओके, बस ये आपका हो गया बाईपास। अब इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, बैक मार लेना, उसके बाद यहाँ इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे आपको एक्सेप्ट करना है और नेक्स्ट दबाना है, फिर यहाँ पे कस्टम में जाना है। उसके बाद ये जो आपका पेन ड्राइव वाला सॉरी SSD है, और ये नीचे वाला आपका हार्ड ड्राइव है, देख सकते हैं यहाँ ड्राइव 1 ड्राइव 2 ऐसे करके लिखा आता है, तो आपको ये समझ लेना 500 GB का लगाया था हमने, तो यहाँ पे पहले आप इसका जो भी इसका फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, मतलब ड्राइव क्रिएट कर लेते हैं जितना GB का आपको चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग 300 GB का क्रिएट करते हैं, और यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करते हैं और यस पे क्लिक करते हैं, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लेगा आपका, उसके बाद आपको नेक्स्ट क्लिक करना है। अब इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, कॉपी पेस्ट होते रहता है इसमें, तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है इसमें, तो मैं वीडियो को थोड़ा स्पीड कर देता हूँ यहाँ से।
अब यहाँ पे आपको इंटर दबा देना है और अपना जो पेन ड्राइव है देखिए मैंने खींच लिया है, तो इसको आपको खींच कर रख लेना, इसका कोई काम नहीं, इसका काम जो था हो चुका है। अब आपको यहाँ पे जैसे सिस्टम ऑन होगा F2 को प्रेस करना है, तो यहाँ पे आपको आना है और यहाँ पे आपको करना है UFI और यहाँ पे बस आपको करना है अप्लाई और यहाँ पे कर देना है ओके। बस आपका काम हो गया, ये करने के बाद आपको एग्जिट कर, तो ये फाइनली आप आ गया सेटअप करने वाला बारी। तो यहाँ पे आपको अपना कंट्री सेलेक्ट करना है, तो मेरा कंट्री है प्यारा भारत, तो चलते हैं हम लोग इंडिया में। ओ आजा भाई, तो ये रहा हमारा इंडिया। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना कीबोर्ड का जो लेआउट है वो सेलेक्ट कर लेना है, मैं इंग्लिश इंडिया कर लेता हूँ। आप अगर दूसरा कीबोर्ड लेआउट सेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे स्किप कर ले। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना वाईफाई में मतलब कनेक्ट कर लेना है, इससे ये आपको फ़ायदा होगा कि जो भी अपडेट रहेंगे ये सिस्टम चेक करेगा अपना सर्वर से और उसको अपडेट कर लेगा। तो यहाँ पे आपको कनेक्ट में दबाना है, उसके बाद इसका जो पासवर्ड रहेगा उसको डालना है। अब आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है, अब ये कुछ देर चेक करेगा जो भी अपडेट्स वगैरह रहेगा उसके लिए, तो इस पर थोड़ा टाइम लगता है। तो वीडियो को मैं कट करता हूँ यहाँ से और नेक्स्ट स्टेप में आपको ले जाता हूँ। अब यहाँ पे आपको अपना डिवाइस का नाम देना है, तो ये डेल है तो मैं डेल लिख देता हूँ और नेक्स्ट दबा दीजिए यहाँ पे। अब अगर आपका यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट आईडी है तो यहाँ पे आप कर सकते हैं, नहीं है तो यहाँ पे क्रिएट वन पे दबा के और ये जो डिटेल है पूरा यहाँ पे आपको फिल करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको यूज़र नेम वगैरह मतलब अपना यहाँ जो ईमेल आईडी अगर पहले का होगा वो डाल सकते हैं, नहीं तो आप अपना मोबाइल नंबर से भी बना सकते हैं अकाउंट, और नहीं तो आप अपना नया ईमेल आईडी भी क्रिएट कर सकते हैं यहाँ दबाकर। माइक्रोसॉफ्ट का जो आईडी रहता है जो भी आपको डोमेन लेना है उसके अनुसार यहाँ पे बना सकते हैं। तो हम लोग का आईडी है तो हम लोग लॉगिन कर लेते हैं उसी से बैक होके, और आपका नहीं है तो आप यहाँ से अकाउंट क्रिएट करके बना लीजिएगा। अब यहाँ पर आपको अपना पिन बनाना है, तो मैं यहाँ पर पिन बना लेता हूँ अपना। अब यहाँ पे आपको सेटअप एज ए न्यू में दबाना है और नेक्स्ट क्लिक करना है। तब ये फाइनली पीसी स्टार्ट होने वाला है, बस कुछ ही क्षण बचे हैं चालू होने में। तब ये फाइनली स्टार्ट होने वाला है, तो देख सकते हैं लैपटॉप स्टार्ट हो चुका है। अब ये स्क्रीन टूटा उसके वजह से आपको कुछ नहीं दिख रहा है। तो आपको यहाँ पे पर्सनलाइजेशन में जाना है, आपका जो आइकॉन रहता है जिस पीसी वगैरह उसको लाने के लिए। उसके बाद आपको यहाँ पे थीम्स में जाना है, थीम्स में जाने के बाद आपको सिंपली नीचे की ओर आना है, यहाँ देख सकते हैं डेस्कटॉप आइकॉन का एक ऑप्शन मिलेगा आपको, यहाँ पे जाके और आपको जो जो आइकॉन चाहिए आपके कंप्यूटर का, ये इसे डरे नहीं आपका, ये ड्राइवर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो रहा है उसके कारण से ये स्क्रीन ब्लिंक कर रहा है। उसके बाद आपको जो जो चाहिए इसको यहाँ पे सेलेक्ट करके यहाँ पे ओके दबा देना है। देख सकते हैं सारा आइकॉन यहाँ पे आ चुका है। अब हम लोग चलते हैं कि हमारा जो हार्ड ड्राइव दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो देख सकते हैं यहाँ पे सारा चीज़ दिख रहा है। अब ये नहीं दिखना चाहिए लेकिन यहाँ पे दिख रहा है, तो चलिए इसको फिक्स करते हैं क्योंकि उसमें सिस्टम फाइल रहता है, मिस्टेक से अगर कभी डिलीट मार दे तो सिस्टम स्टार्ट ही नहीं होगा। यहाँ पे आपको डिस्क मैनेजमेंट में जाना है, उसके बाद आपको ये जो है इसमें राइट क्लिक करके और यहाँ पे देख सकते हैं आप यहाँ और यहाँ पे रिमूव करके यस कर देना है। अब वो वहाँ से गायब हो गया होगा, आप यहाँ पे आके देख सकते हैं, देखिए यहाँ से गायब हो गया। अब आपका जो पहले ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें था आपको उसको बस सिंपली फॉर्मेट कर लेना है, तो यही मेरा पहले वाला है। तो आपको यहाँ पे राइट क्लिक करके और यहाँ पे फॉर्मेट दबा के और यहाँ पे फॉर्मेट कर लेना, अभी मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरा कुछ इंपॉर्टेंट फाइल है इसमें, उसको इसे इधर ट्रांसफ़र कर लेंगे तब करेंगे, तो आपको कर लेना, नहीं तो बार बार क्या होगा कि आपको ये वाला कभी कभी मिस्टेक से बूट हो जाएगा, तो ये रहेगा नहीं तो बूट नहीं होगा, तो आपको इसमें फॉर्मेट कर लेना है। जब जगह खाली होगा तो उसमें आप कुछ और भी रख सकते हैं। अब ये तो हो गया हमारा SSD। अब देखिए SSD में हम लोग ने कुछ खाली छोड़ा था जिसका पार्टीशन आपको बनाना है, तो यहाँ पर जो स्पेस है उसमें दबा के न्यू और यहाँ पर नेक्स्ट, साइज तो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट रहता है, नेक्स्ट नेक्स्ट बस करते जाना है। तो ये पूरी तरीके से जो जितना भी पार्टीशन वगैरह बनाना था सारा हो गया, देख सकते हैं आप यहाँ पे पार्टीशन सारा आ गया है। अब उसके बाद आपको एक चीज़ और बता दें, जब सिस्टम आपका चालू हो जाए और वाईफाई में कनेक्ट हो तो आपको इसका अपडेट वाला पेज में आना है, थोड़ा सा इसका
थीम चेंज कर लेते हैं, बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। ये वाला थीम मेरा फेवरेट है, तो देख सकते हैं अप्लाई। उसके बाद यहाँ पे आपको अपडेट आना है, क्योंकि आपका इसमें बहुत सारा ड्राइवर जो इंस्टॉल नहीं रहता है उसको इंस्टॉल करना रहता है, तो यहाँ पे आपको डाउनलोड दबा देना है, क्योंकि कुछ चीज़ होते हैं जो काम नहीं करते। आपको दिखाता हूँ मैं, अगर देख सकते हैं ड्राइवर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया, ब्राइटनेस कम ऐसी हो रहा है, नहीं तो अगर नहीं इंस्टॉल हुआ रहता तो नहीं होता। तो आपको यहाँ पे अपडेट मार लेना है, ताकि जितने भी ड्राइवर सॉफ्टवेयर बचे हो वो अपडेट हो जाए। देख सकते हैं अभी ये पूरा तरीके से रेडी हो गया। बस इस वीडियो में इतना ही था। तो आपका कोई भी पुराना लैपटॉप हो और उसको अगर स्पीड उसका बढ़ाना बहुत धीरे चल रहा है और आप चाहते हैं कि उसका स्पीड मतलब सुपर स्पीड हो जाए, तो SSD उसमें स्लिप लगा दें और आप फिर पुराने में नए का मजा ले सकते हैं। और मतलब क्या बोल सकते हैं कि आपका जो लैपटॉप है यूज़ करने में आपको अच्छा लगेगा, कोई भी ख़राब एक्सपीरियंस आपका नहीं होगा। तो इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको मेरे चैनल का वीडियो पसंद आ रहा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, हमें भी ग्रो करने में मदद करें। तो इस वीडियो में इतना ही था, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।